हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है छठ महापर्व का तीसरा दिन, संध्या अर्घ। तो यहाँ ठेकुआ प्रसाद बन रहा है, अम्मा बना रही हैं। तो यहाँ प्रसाद का जो ठेकुआ था वो सब बन गया है। तो प्रसाद के लिए आटा और गुड़ का ठेकुआ बनता है। अब यहाँ पे मैदा का खजूर बनने की तैयारी हो रही है। इसे बहुत जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम लोग इसे खजूर बोलते हैं, बहुत जगह पे खास्ता और भी कुछ बोला जाता है। मैं यहाँ पे रेसिपी डिटेल में नहीं दे रही हूँ, आई होप आप लोग देखकर समझ ही जाएंगे। मैं इधर किचन में घर के बाकी लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। और यहाँ खजूर भी बनकर तैयार हो गया है। यहाँ जो अर्घ के लिए फल था वो सारे फल धो के रख दिए हैं। अब इसे अम्मा सजा देंगी। यहाँ पे ठेकुआ के साथ सजाया जा रहा है। सारा अर्घ सज कर तैयार है। अब इसे एक टोकरी में ढक कर रख देंगे और इसे छत पे ले जाएंगे, क्योंकि हमारा छठ छत पे ही होता है, तो छत पे ही घाट है। देखिए हमारा शाम के अर्घ का हस्बैंड पानी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सूरज डूबने ही वाला था, तो हम लोग अर्घ दिलवाएंगे और आज का संध्या अर्घ समाप्त हो जाएगा। छत पे से आने के बाद शाम को जो प्रसाद होता है उसे चेंज किया जाता है। फल चेंज नहीं करते हैं, बस जो ठेकुआ होता है उसे ही चेंज करते हैं। और इस पे दिया जलाया जाता है। संध्या का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। मैं आप लोगों के साथ आज की पिक्चर्स भी शेयर कर रही हूँ। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सुबह अर्घ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।